हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। और यहाँ पे हम लोग हर टेक्नोलॉजी स्क्रैच से देखेंगे। तो हम लोग देख रहे थे पाइथन, तो आज हम क्या देखने वाले, हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। सो हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम लोग लिस्ट लेंगे, एक लिस्ट लेंगे एग्जाम्पल के लिए, और उसमें से जो भी नंबर लार्जेस्ट नंबर रहेगा उस नंबर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यल एक लिस्ट बनाते हैं, से फॉर एग्जाम्पल उसमें कुछ तो भी रैंडमली एलिमेंट्स है। तो हम लोग इसमें से लार्जेस्ट नंबर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंपल, वेरी सिंपल। मैं डायरेक्टली प्रिंट कर लेता हूँ इसको, एंड मैं एफ स्ट्रिंग ले लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, एंड उसमें डायरेक्टली मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। द लार्जेस्ट लार्जेस्ट नंबर इज क्या होगा, मैक्स ऑफ, ये मैक्स फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं, मैक्स ऑफ एल। मैक्स ऑफ एल मीन्स जो भी कोई मैक्सिमम नंबर रहेगा इसमें से वो आ जाएगा। और हम लोग जैसे ही इसको रन करते हैं तो यू कैन सी, देखिए 87 मैक्सिमम नंबर है, आ गया। तो ये हो गया एक फर्स्ट वे। पर कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि विदाउट यूजिंग दिस मैक्स फंक्शन तब क्या करना है, तब क्या करना है। देखिए दोस्तों, ये यल है, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सा सॉर्टिंग हो जाएगा, सॉर्ट एक मेथड है यल में, तो अभी यल का सॉर्टिंग हो जाएगा और वो हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आ जाएगा और सबसे लास्ट में सबसे मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। तो सिंपल, इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर मैक्सिमम नंबर क्या हो जाएगा, यल का लास्ट नंबर। लास्ट नंबर तो अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग कैसे देखते हैं, -1 -2, ये इंडेक्सिंग दे सकते हैं हम लोग। तो एल ऑफ -1 ये हो गया उसका मैक्सिमम नंबर। देखिए अगर आपको देखना ही है कि सही में लिस्ट सॉर्ट हुई है क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे और यहाँ पे एल लिखेंगे। देखिए सबसे पहले, एक मिनट, कुछ गलत हो गया, PRINT। ओके, तो देखिए पहले क्या हो गया, देखिए आपका अपना पूरा लिस्ट जो है ना, सबसे पहले तो हो गया सॉर्ट, उसके बाद में जो भी इंडेक्सिंग देखो कैसे हो जाता है, पहले तो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे अपन एल ऑफ 6 लिखा होता तो भी क्या हो जाता था, 87 आ जाता था। पर इंडेक्सिंग ऐसा भी तो हो सकता है, -1 -2 -3 -4, तो मैक्सिमम नंबर चाहिए तो क्या आ जाएगा, एल ऑफ -1। देखिए ऐसा भी ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, देखिए अल्टरनेटिव इसी के लिए, अभी तो सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, मैक्स हम लोग यूज नहीं कर रहे तो कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे क्या दे सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यल ऑफ, और यहाँ पे डालना है मुझे फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस लिस्ट 6 डालना है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दो ऐसा, तो भी आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। पर हमेशा ये बदल भी तो सकता है ना, लिस्ट बदल भी तो सकता है, इसके लिए हम लोगों को जनरलाइज प्रॉब्लम लिखना पड़ेगा। तो ये 6 ही लिखना है यहाँ पे, पर वो इंडेक्स जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, लेन ऑफ यल, ये तो हो जाएगा 7, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट है ना, पर मुझे चाहिए -1, बिकॉज ये जो इंडेक्सिंग है ना कैसे चालू हो जाता है, 0 से चालू हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 है। सो ये क्या है, 6th है, लास्ट मतलब 6th है। हाँ, तो मैं बोल रहा था, पर ये हो जाएगा 7, अगर 7 हो जाएगा तो, हाँ अगर ये 7 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 2, ये 7 टोटल है ना, लेन ऑफ यल इज, इसका जो आंसर आ जाता है वो 7 है, क्योंकि इस एलिमेंट्स तो 7 है पर इंडेक्सिंग 0 to 7 है, हमें इंडेक्स नंबर 6 डालना है, इसलिए फिर 7 में से 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे।
क्योंकि अगर यहाँ पे एल ऑफ सेवन आ जाएगा तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि सेवेंथ इंडेक्स कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे माइनस मुझे डालना पड़ेगा। तो अभी मैं देखता हूँ, तो ये हो गया अभी जनरलाइज। अगर यहाँ पे बदल भी जाता है, यहाँ पे बदल भी जाता है लेंथ ऑफ द लेंथ, यहाँ पे बदल भी जाता है, अभी क्या हो गया लेंथ बदल गया, इंडेक्स यहाँ का एल का लेंथ बदल गया, तो फिर भी आंसर तो नहीं बदलेगा। गेटिंग, ये मैं निकाल सकता हूँ, इसकी जरूरत नहीं, जस्ट टेस्टिंग के लिए मैंने लिया था वो। चलो ठीक है, ये अल्टरनेटिव वे हो गया। पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी पूछा जाता है समटाइम्स इंटरव्यू में, या तो फिर हमें जरूरत लग सकती है, ये सॉर्ट भी आपको यूज नहीं करना है, ऐसा बोल सकते हैं। तो और एक अल्टरनेटिव मेथड हम लोग देखेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यल जो दिया हुआ जो यल है उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, और एक EMT लिस्ट ले लेंगे। तो EMT लिस्ट में करना क्या है हम लोगों को, EMT लिस्ट को एक 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 एलिमेंट से फिल करना है। अभी इसमें भी हम लोग सॉर्टिंग ही करेंगे, पर सॉर्टिंग यल में नहीं होगा वो, ये सॉर्टिंग किधर हो जाएगा, सॉर्टिंग हो जाएगा यल1 में। यल1 में एक एक सबसे छोटा जो एलिमेंट है ना, सबसे पहले हम लोग यल में ऐड कर देंगे, उसके बाद में, और जब भी हम लोग छोटा एलिमेंट, सबसे छोटा एलिमेंट एल1 में ऐड करेंगे तो यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे। मतलब एक ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट में उठा के एल1 में डाल रहा हूँ दूसरा एलिमेंट, और उसका क्या रहेगा बेसिस, बेसिस ये रहेगा कि इसमें से जो सबसे छोटा है वही एलिमेंट मुझे इसमें डालना है। तो हम लोग उसके लिए अभी कुछ कोडिंग करते हैं, और उसके बाद में देखते हैं कि हम लोग सक्सेस होते हैं क्या नहीं, जो भी हम लोगों का अभी थॉट प्रोसेस है उसमें। तो मैं एक व्हाइल लूप अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, व्हाइल यल, मतलब जब तक के यल में कोई भी एक एलिमेंट प्रेजेंट है तब तक के वो व्हाइल लूप का वैल्यू ट्रू रहेगा। अगर यल में, यल नाम की लिस्ट में अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो व्हाइल लूप खत्म हो जाएगा, और हम लोगों को एक एक एलिमेंट कम करना है तो लास्ट में यल में कोई भी नहीं, तो फिर यल में सब एलिमेंट्स रहेंगे तो इनफिनिट के लिए चला जाएगा, इनफिनिटी लूप में चला जाएगा ये लूप। ठीक है, तो उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जो क्या रहेगा, मिनिमम ऑफ दी यल में की सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी, पर टाइम बीइंग मैं चालू कर देता हूँ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ यल से। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ यल क्या है, यल ऑफ जीरो मैं बोल देता हूँ, यल ऑफ जीरो। ठीक है, तो यम में सबसे पहले क्या चला जाएगा, 43 चला जाएगा। उसके बाद में मैं एक फॉर लूप अप्लाई कर देता हूँ, फॉर आई इन रेंज रेंज लेन ऑफ एल। तो फॉर लूप कब तक के चलेगा, फॉर लूप जब तक के चलेगा जहां तक के इसका लेंथ है, मतलब जीरो से चालू होके लेंथ कहां तक के, 7 तक के है, तो तब तक के ये फॉर लूप चलता रहेगा। और मुझे क्या करना है, इफ इफ आई का वैल्यू और एल ऑफ आई का वैल्यू, एल ऑफ आई का वैल्यू अगर अगर यम से छोटा है, यम से छोटा है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, हो सकता है कि I मतलब L of I क्या हो जाएगा, L 0 से चालू हो गया, L of 0 43, L of 1 4, 4 अगर ये कंडीशन क्या है, 4 अगर M में क्या है सबसे पहले 43, अगर 4 43 से छोटा है मतलब L of I M से छोटा है, तो कुछ करना है, क्या करना है देखो, M में वो वैल्यू डाल देना है, मतलब क्या हो जाएगा एट द एंड सब लूप अगर खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा, इसमें से सबसे छोटा नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ ये वाला, तो यम में वो वैल्यू जाने वाली क्या नहीं, तो ग्रेजुअली क्या होगा, छोटी 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 वैल्यू यम को मिलते जाएगी, और ये फॉर लूप के एंड में क्या हो जाएगा, यम क्या रहेगा, यम रहेगा सबसे छोटा वैल्यू इन दिस यल। तो अभी क्या करूंगा, अगर मुझे सबसे छोटा वैल्यू यम में मिल रहा है तो वो वैल्यू में L1 में डाल देता हूँ। तो उसके लिए क्या रहेगा, L1.append क्या यम। अभी L1 में मैंने append कमांड, मतलब क्या उसमें वो वैल्यू आ जाएगा, कौन सा वैल्यू आ जाएगा, L1 में यम वैल्यू आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढा, बाद में सबसे छोटा नंबर इधर डाल दिया L1 में append के थ्रू। अभी क्या करना है, इसमें से मुझे निकालना पड़ेगा वो यल डॉट रिमूव, रिमूव रिमूव नाम का कमांड है, देखो क्या यम, मतलब यम क्या रहेगा सबसे, यहाँ ये क्या बता रहा है, देखो ये बता रहा है कि यम क्या है, इसमें से सबसे छोटा नंबर है,
फिर ए लाइन क्या बता रहा है, वो छोटा नंबर इसमें ऐड कर दो, और ए लाइन क्या बता रहा है, वो जो छोटा नंबर है वो इसमें से रिमूव कर दो, तो इसमें एक एलिमेंट कम हो जाएगा। उसके बाद में फिर से व्हाइल लूप इधर से चलेगा, फिर से एम इज इक्वल टू एल ऑफ जीरो, अभी एल में क्या है एक एलिमेंट कम हो गया है, फिर से ये फॉर लूप चलेगा, फिर से इसमें से सबसे छोटा नंबर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा नंबर ढूंढ रहे यहाँ पे डाल रहे, और ये बढ़ता जाएगा, ये रिमूव है ना, इसके लिए कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि यल के सब एलिमेंट खत्म हो जाएंगे, यल इज गोइंग टू बी द एम्प्टी लिस्ट, और यल वन जो है यल वन ये पूरी ये एलिमेंट से भर जाएगा, पर ये लूप क्या बता रहा है, सबसे छोटा छोटा एलिमेंट हम एक के बाद एक ऐड कर रहे हैं, तो सीक्वेंस क्या रहेगा, यल वन रहेगा सॉर्टेड लिस्ट, समझा। अभी सेम कमांड भी मैं रख सकता हूँ और यहाँ पे यल वन डाला तो मैं मुझे क्या मिलेगा, अभी यल वन क्या है सॉर्टेड लिस्ट, यल सॉर्टेड लिस्ट है क्या, नहीं, एट द एंड यल क्या बनेगा, एम्प्टी लिस्ट बनेगा। पर ये अगर मैं चीज रख रहा हूँ यल वन ऑफ सिक्स, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये तो अभी असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा ना लिस्ट, तो इसका मतलब क्या रहेगा, लार्जेस्ट नंबर क्या रहेगा वो सॉर्टेड लिस्ट में से ऐसा डालने के बाद मिल सकता है। देखिए मिल गया 98। ओके, हम लोग इसके साथ साथ एक चीज देखेंगे क्या, देखिए हम लोग क्या देखेंगे कि देखो एट द एंड प्रिंट हम एल भी करके देखेंगे, और उसके बाद में प्रिंट हम क्या करके देखेंगे, प्रिंट ऑफ एल वन भी करके देखेंगे, तो देखेंगे। चलो हम लोग सोच रहे हैं ना कि एल तो एम्प्टी लिस्ट होना चाहिए एंड एल वन में पूरे एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में आ जाना चाहिए, एडिशनली हम लोग ये देख लेंगे। देखिए आप एल क्या, सबसे पहले एल डाला ना, ये एल देखिए एम्प्टी लिस्ट है, और ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में मिल रहा है हम लोगों को, रिपीटेड एलिमेंट है फिर भी वो मिल रहे हैं, देखो मिले ऑलराइट, तो इसका मतलब हम लोग मैक्सिमम नंबर मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोगों ने जैसे कि पहले भी देख चुके हैं हम लोग क्या करेंगे, देखो अल्टरनेटिव क्या है इसमें, अल्टरनेटिव ये भी तो हो सकता है -1, फिर से 98 आंसर आ रहा है, अल्टरनेटिव और क्या हो सकता है देखिए, चलो ठीक है इतना ठीक है। ऑल राइट, सो एल ऑफ -1, ठीक है। सो दिस इज हाउ हम लोग क्या निकाल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर हम लोग यूजिंग यूजिंग और विदाउट यूजिंग मैक्स और सॉर्ट फंक्शन और मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके ओके, हम लोग अभी क्या देखेंगे कि देखिए चलो हम लोगों ने तो देख लिया ये सब, पर हमें सेकेंड लार्जेस्ट नंबर अभी चाहिए निकालना है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर तो हम लोगों ने निकाल दिया, पर हाउ टू फाइंड आउट द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग यहाँ पे ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और चलो पूरा ही कोड कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के लिए क्या चेंज करना है हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट लाइन ले लेंगे बी, और ये मैंने कॉपी कर लिया, पर अभी क्या चाहिए हम लोगों को, लार्जेस्ट चाहिए क्या, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालना है, बाकी सब ठीक, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -2, दैट्स ऑल खत्म। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 987 है क्या, यस। थर्ड लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो क्या करने का पड़ेगा, 3, और हम लोगों का अगर nth लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो n इज से फॉर एग्जांपल गिवन n इज इक्वल टू 2, ऐसा गिवन nth लार्जेस्ट नंबर, तो nth लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, थर्ड लार्जेस्ट नंबर, वो कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ एन, हो गया लार्जेस्ट नंबर मतलब फर्स्ट, देखो एन का वैल्यू 198, थर्ड लार्जेस्ट नंबर देखिए हो रहा है काम, फोर्थ लार्जेस्ट नंबर देखिए हो रहा है काम, सो एंथ लार्जेस्ट नंबर भी हम लोग निकाल सकते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर एन में भी डाल सकते हैं। ओके, कोई तो भी मुझे पूछेगा हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर नहीं निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ये, और पहला मेथड तो वो है ये, सॉर्टिंग से भी हम लोग जा सकते हैं, राइट। कोई तो भी बोलेगा मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट, अभी सॉर्टेड लिस्ट है ना, सॉर्टेड लिस्ट है मतलब क्या, सॉर्टेड लिस्ट का मतलब तो ये हो गया ना, तो